वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था के पार्ट फिफ्थ में आपका स्वागत तो है। आज हम पढ़ेंगे भारत में वैश्वीकरण का प्रभाव और न्याय संगत वैश्वीकरण के लिए संघर्ष। तो भारत में वैश्वीकरण का प्रभाव, इसको शुरू करते हैं। विगत वर्ष 20 वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था के वैश्वीकरण ने एक लंबी दूरी तय की है। इसका लोगों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा है, हम कुछ प्रमाण देखते हैं। वैश्वीकरण और उत्पादकों, स्थानीय एवं विदेशी दोनों के बीच बेहतर प्रतिस्पर्धा से उपभोक्ताओं, विशेषकर शहरी क्षेत्रों में धनी वर्ग के उपभोक्ताओं को लाभ हुआ है। इन उपभोक्ताओं के समक्ष पहले से अधिक विकल्प हैं और वे अब अनेक उत्पादों को उत्कृष्ट गुणवत्ता को और कम कीमत से लाभान्वित हो रहे हैं। परिणामत ये लोग पहले की तुलना में आए अपेक्षाकृत अच्छे जीवन स्तर का आनंद ले रहे हैं। उत्पादकों और श्रमिकों पर वैश्वीकरण का एक समान प्रभाव नहीं पड़ा है। पहला, विगत 20 वर्षों में बहुराष्ट्रीय कंपनियां, मल्टीनेशनल कंपनीज ने भारत में अपना निवेश में वृद्धि की है, जिसका अर्थ है कि भारत में निवेश करना उनके लिए लाभप्रद रहा है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने शहरी इलाकों के उद्योगों जैसे सेलफोन, मोटर गाड़ियों, इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों, ठंडे पेय पदार्थों और जंग खाद्य पदार्थों एवं बैंकिंग जैसी सेवाओं के निवेश में रुचि दिखाई है। इन उत्पादों के अधिकांश खरीदार संपन्न वर्ग के लोग हैं। इन उद्योगों और सेवाओं में नए रोजगार उत्पन्न हुए हैं। साथ ही इन उद्योगों को कच्चे माल इत्यादि की आपूर्ति करने वाली स्थानीय कंपनियाँ समृद्ध हुई हैं। विदेशी निवेश आकर्षित करने के लिए उठाए गए कदम। हाल के वर्षों में भारत की केंद्र एवं राज्य सरकार भारत में निवेश हेतु विदेशी कंपनियों को आकर्षित करने के लिए विशेष कदम उठा रही हैं। औद्योगिक क्षेत्रों, जिन्हें विशेष आर्थिक क्षेत्र कहा जाता है, की स्थापना की जा रही है। विशेष आर्थिक क्षेत्रों के विश्व स्तरीय सुविधाएं, बिजली, पानी, सड़क, परिवहन, भंडारण, मनोरंजन और शैक्षिक सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए। विशेष आर्थिक क्षेत्र में उत्पादन इकाइयां स्थापित करने वाली कंपनियों को आरंभिक 5 वर्षों तक कोई कर नहीं देना पड़ता है। विदेशी निवेश आकर्षित करने हेतु सरकार ने श्रम कानूनों में लचीलापन लाने की अनुमति दे दी है। आपने देखा होगा कि संगठित क्षेत्रों की कंपनियों में कुछ नियमों का अनुपालन करना पड़ता है, जिसका उद्देश्य श्रमिक अधिकारों को संरक्षण करना है। हाल के वर्षों में सरकार ने कंपनियों को अनेक नियमों से छूट लेने की अनुमति दे दी है। अब नियमित तो आधार पर श्रमिकों को रोजगार देने के बजाय कंपनियों में जब काम का अधिक दबाव होता है तो लोचदार ढंग से छोटी अवधि के लिए श्रमिकों को कार्य पर रखती हैं। कंपनी की श्रम लागत में कटौती करने पर ऐसा किया जाता है। फिर भी विदेशी कंपनियां अभी भी असंतुष्ट नहीं है और श्रम कानूनों में और अधिक लचीलापन की मांग कर रही हैं। दूसरा, अनेक शीर्ष भारतीय कंपनियां बड़ी हुई प्रतिस्पर्धा से लाभान्वित हुई हैं। इन कंपनियों ने नवीनतम प्रौद्योगिकी और उत्पादन प्रणाली में निवेश किया है और अपने उत्पादन मानकों को ऊंचा उठाया है। कुछ ने विदेशी कंपनियों के साथ सफलतापूर्वक सहयोग कर लाभ अर्जित किया। इसमें भी आगे वैश्वीकरण ने कुछ बड़ी भारतीय कंपनियों को बहुराष्ट्रीय कंपनियों के रूप में बनने के योग्य बनाया। टाटा मोटर्स, मोटर गाड़ियाँ, इंफोसिस, IIT, रेन वैक्सीन दवाइयाँ, एशियन पेंट्स, पेंट सुंदरम, फॉन्सनर्स, नट और बोल्ट। कुछ ऐसी भारतीय कंपनियां हैं जो विश्व स्तर पर अपने क्रियाकलापों का प्रसार कर रही हैं। वैश्वीकरण ने सेवा प्रदाता कंपनियां, विशेषकर सूचना और संचार प्रौद्योगिकी वाली कंपनियों के लिए नए अवसरों का सृजन किया है। भारतीय कंपनी द्वारा लंदन स्थित कंपनी के लिए पत्रिका का प्रकाशन और कॉल सेंटर इसके उदाहरण। इसके अतिरिक्त आंकड़ा प्रवेश, डाटा एंट्री, लेखाकरण, प्रशासनिक कार्य, इंजीनियरिंग जैसी कई सेवाएं भारत जैसे देशों में अब सस्ते में उपलब्ध हैं और विकसित देशों को निर्यात की जाती हैं। छोटे उत्पादक, प्रतिस्पर्धा करो या नष्ट हो जाओ। वैश्वीकरण ने बड़ी संख्या में छोटे उत्पादकों और श्रमिकों के लिए बड़ी चुनौतियां खड़ी हैं। बढ़ती प्रतियोगिता, रवि को यह अपेक्षा नहीं थी कि वो से एक उद्योगपति के रूप में अपने जीवन की छोटी अवधि में ही संकट का सामना करना पड़ेगा। रवि ने सन 1992 में तमिलनाडु के एक औद्योगिक शहर में होसुर से संधा रात्रियों का निर्माण करने वाली अपनी कंपनी शुरू करने के लिए बैंक से ऋण लिया। संधारित्रों का इस्तेमाल ट्यूबलाइट, टेलीविजन सहित अनेक घरेलू इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में होता है। 3 वर्षों के भीतर वे अपने उत्पादन का विस्तार करने में सक्षम हो गए और उसकी कंपनी में 20 कर्मचारी काम करने लगे। अपनी कंपनी चलाने में उसका संघर्ष तब प्रारंभ हुआ जब सरकार ने सन 2001 में विश्व व्यापार संगठन के समझौते के अनुसार आयात पर से प्रतिबंधों को हटा दिया। इसके मुख्य ग्राहकों में टेलीविजन कंपनियां आती हैं जो टेलीविजन सेटों का निर्माण करने के लिए संधारित्रों सहित विभिन्न प्रयोजनों थोक में खरीदती हैं और टेलीविजन सेटों का निर्माण करती हैं। किंतु बहुराष्ट्रीय कंपनियों के ब्रांडों से प्रतिस्पर्धा ने
भारतीय टेलीविजन कंपनियों को बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए संयोजन कार्य करने के लिए विवश कर दिया। उनमें से एक कुछ जब संदर्भित्र खरीदती थी तो वे इनका आयात करना पसंद करती थी, क्योंकि आयात सामान्य कीमत रवि जैसे लोगों द्वारा निर्धारित कीमत से आधी होती हैं। अब रवि वर्ष 2000 में निर्मित संदर्भित्रों में आधे से भी कम संदर्भित्र निर्माण करता है और उसके लिए केवल 7 श्रमिक काम कर रहे हैं। रवि के अनेक दोस्तों ने जो हैदराबाद और चेन्नई में इसी व्यवसाय में थे अपनी इकाइयाँ बंद कर दी हैं। बैटरी संधारित प्लास्टिक खिलौने टायर डेयरी उत्पादों एवं खाद्य तेल के उद्योग कुछ ऐसे उदाहरण हैं जहाँ प्रतिस्पर्धा के कारण छोटे विनिर्माताओं पर कड़ी मार पड़ी है। कई इकाइयाँ बंद हो गई जिसके चलते अनेक श्रमिक बेरोजगार हो गए। भारत में लघु उद्योगों में कृषि के बाद सबसे अधिक श्रमिक नियोजित हैं। प्रतिस्पर्धा और अनिश्चित रोजगार। वैश्वीकरण और प्रतिस्पर्धा के दबाव ने श्रमिकों के जीवन को व्यापक रूप से प्रभावित किया है। बढ़ती प्रतिस्पर्धा के कारण अधिकांश नियुक्त इन दिनों श्रमिकों को रोजगार देने में लचीलापन पसंद करते हैं। इसका अर्थ है श्रमिकों को रोजगार सब सुनिश्चित नहीं है। हम देखते हैं कि भारत में वस्त्र निर्यात उद्योग प्रतिस्पर्धा के दबाव से कैसे सहन कर रहे हैं। अमेरिका और यूरोप में वस्त्र उद्योग को बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियां भारत निर्यातकों और वस्तुओं की आपूर्ति के लिए ऑर्डर देती हैं। विश्वव्यापी नेटवर्क से युक्त बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियां लाभ को अधिकतम करने के लिए सबसे सस्ती वस्तुएं खोजती हैं। इन बड़े ऑर्डरों को प्राप्त करने के लिए भारतीय वस्त्र निर्यातक अपनी लागत कम करने की कड़ी कोशिश करते हैं, क्योंकि कच्चे माल पर लागत में कटौती नहीं की जा सकती, इसलिए नियुक्त श्रम लागत में कटौती करने की कोशिश करते हैं। जहां पहले कारखाना श्रमिकों को स्थायी आधार पर रोजगार देते थे, वहीं ये अस्थायी रोजगार देते थे ताकि श्रमिकों को वर्ष भर वेतन नहीं देना पड़े। श्रमिकों को बहुत लंबी कार्य घंटों तक काम करना पड़ता है और अत्यधिक मांग की अवधि में नियमित रूप से रात में भी काम करना पड़ता है। मजदूरी काफ़ी कम होती है और श्रमिक अपनी रोजी रोटी के अतिरिक्त समय भी काम करने के लिए विवश हो जाते हैं। हालांकि वस्त्र निर्यातकों के बीच प्रतिस्पर्धा से बहुराष्ट्रीय कंपनियों को अधिक लाभ कमाने में मदद मिलती है, परंतु वैश्वीकरण के साथ मिले लाभ के श्रमिकों को न्यायसंगत हिस्सा नहीं दिया गया है। 35 वर्षीय सुशीला ने दिल्ली के एक वस्त्र निर्यातक उद्योग में एक श्रमिक के रूप में कई वर्ष काम किया। जब वे स्थायी श्रमिक के रूप में नियुक्त थी तो वे स्वास्थ्य बीमा भविष्य निधि एवं अतिरिक्त समय के कार्यों के लिए दुगनी मजदूरी की हकदार थी। जब 1990 के दशक में अंतिम वर्षों में सुशीला की फैक्ट्री बंद हो गई तो 6 माह तक रोजगार की तलाश करने के बाद आता तो उसे अपने घर से 30 किलोमीटर दूर एक रोजगार मिला। कई वर्षों तक इस फैक्ट्री में काम करने के बावजूद वह एक अस्थायी श्रमिक है और पहले की तुलना में आधे से भी कम कमा पाती है। वह सप्ताह के 7 दिन सुबह 7:30 बजे अपने घर से निकलती है और शाम 10 बजे वापस आती है। एक दिन काम नहीं करने का अर्थ है उस दिन की मजदूरी नहीं मिलना। अब कोई अन्य लाभ नहीं मिलता है जो पहले मिलता था। उसके घर के समीप की फैक्ट्रियों की काफ़ी अस्थिर ऑर्डर मिलती हैं, इसलिए वे कम वेतन भी देती हैं। उपयुक्त कार्य परिस्थितियों श्रमिकों की कठिनाइयां भारत के अनेक औद्योगिक इकाइयों और सेवाओं के सामने तो बात हो गई। आज अधिकांश श्रमिक असंगठित क्षेत्र में नियोजित हैं। यही नहीं, संगठित क्षेत्र में क्रमश कार्य परिस्थितियाँ असंगठित क्षेत्र के समान होती जा रही हैं। संगठित क्षेत्र के श्रमिकों जैसे सुशीला को अब कोई संरक्षण और लाभ नहीं मिलता है जिसका वह पहले उपभोग करती थी। न्याय संगत वैश्वीकरण के लिए संघर्ष। उपयुक्त प्रमाण यह संकेत करते हैं कि वैश्वीकरण सभी के लिए लाभप्रद नहीं हो रहा है। शिक्षित कुशल और संपन्न लोगों में वैश्वीकरण के मिले नए अवसरों का सर्वोत्तम उपयोग किया है। दूसरी ओर अनेक लोगों को लाभ को हिस्सा नहीं मिला है। चूंकि वैश्वीकरण अभी सच्चाई है तो वैश्वीकरण को अधिक न्याय संगत कैसे बनाया जा सकता है। न्याय संगत वैश्वीकरण सभी के लिए अवसर प्रदान करेगा और यह सुनिश्चित भी करेगा कि वैश्वीकरण के लाभों के सभी की बेहतर हिस्सेदारी और सरकार इसे संभव बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। इसकी नीतियों को केवल धनी और प्रभावशाली लोगों को ही नहीं बल्कि देश के सभी लोगों के हितों का संरक्षण करना चाहिए। आपने सरकार द्वारा किए जाने वाले कुछ उपायों के बारे में पढ़ा होगा। जैसे सरकार यह सुनिश्चित कर सकती है कि श्रमिक कानूनों का उचित कार्यान्वयन हो और श्रमिकों को अपने अधिकार मिले, या छोटे उत्पादकों को कार्य निष्पादन में सुधार के लिए उस समय तक मदद कर सकती है जब तक वे प्रतिस्पर्धा के लिए सक्षम ना हो जाए। यदि जरूरी हुआ तो सरकार व्यापार और निवेश अवरोधकों का उपयोग कर सकती है। यह न्यायसंगत नियमों के लिए विश्व व्यापार संगठन के से समझौते भी कर सकती है। विश्व व्यापार संगठन विकसित देशों के वर्चस्व के विरुद्ध समान हितों वाले विकासशील देशों को मिलकर लड़ना है। विगत कुछ वर्षों में बड़े अभियानों और जनसंगठनों के प्रतिनिधियों ने विश्व व्यापार संगठन के व्यापार निवेश से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णयों को प्रभावित किया है। यह प्रदर्शित करता है कि जनता भी न्यायसंगत वैश्वीकरण के संघर्ष में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। धन्यवाद।